फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेश कोकोनट की पूरियाँ। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेश कोकोनट। मैं पूरी के लिए आटा लगा रही हूँ। ये 2 कप मैदा है, इसके अंदर मैं 1 अंडा डालूँगी। वन टेबल स्पून घी, 1 ऐड करेंगे, 20 मिनट रेस्ट करने दूंगी। जब तक हम इसको रेस्ट करने दे रहे हैं तब तक मैं अपनी पूरी की स्टफिंग तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे पैन रख ली हूँ गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। फ्रेश कोकोनट है जिसको मैंने ऐसे स्क्रब कर ली थी, ये ऐड करूंगी मैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ता, काजू और चारोली। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। शक्कर हम अभी नहीं मिलाएंगे, शक्कर हम जब ये कोकोनट ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। इसको कंटिन्यूस हिलाना है हमको, वरना ये नीचे लग जाएगा। ये पूरी को कोकनी में शींग बोलते हैं। ये यूजली जब शादी होती है, शादी में दुल्हन के साथ जो पेटी होती है, दुल्हन के साथ एक पेटी जाती है, उसके अंदर ये दुल्हन को देते हैं शींग। और कुछ भी ऐसे ओकेशनल है तो वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। अगर आपको मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अच्छे वीडियोस के लिए, न्यू रेसिपीज़ के लिए। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची के पाउडर ऐड कर रही हूँ, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, या तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरा भून के हो चुका है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ अभी। इसको ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। कोकोनट थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैं 1 कप शक्कर ऐड करती हूँ इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। मैंने आटा ली हूँ। आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उस हिसाब से पेड़ा लीजिए। ये देखिए इतना बड़ा। इसको हम सूखा आटा लगाएंगे पहले,
पतली रोटी बनाएंगे हम लोग इसकी। चारों बाजू से अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून स्टफिंग डालेंगे। साइड से थोड़ा सा पानी लगाना है, फोल्ड कर देंगे। और ये इसकी चकली कटर से इसको से कट कर लेंगे। देखिए मैं दूसरी भी ऐसे बना रही हूँ। ओके आप हमें देख कर रही हूँ। मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं एक एक पूरी फ्राई करूंगी। साइड से हमको इसे हल्के हाथ से उड़ाना है। मेरा गैस मीडियम हाई पे है। देखिए मेरी पूरी हो चुकी है। मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। ये देखिए दूसरी भी ट्राई करूँ।
अगर आपको मेरी ये फ्रेश कोकोनट की पूरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।